हाँ जी, क्या सोचा तुमने? किस बारे में? वो दवाएं तुम्हें देके गई थी ना, मैं नजर नहीं आ रही है कहीं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं मम्मी? सोचा है तो तुम्हें बता रही हूं ना। देखो, जो बेवफा मर्द होता है ना, उसके साथ औरत रोजाना जीती है और मरती है। फुरकान ने मेरे साथ बेवफाई नहीं किया। अभी से तुमने अपने बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिए। देखो लुबना, अभी तुम जवान हो, दूसरी शादी कर सकती हो। छोड़ो इस बेवफा मर्द को, अपनी फैमिली बनाओ, या फिर सब कुछ भूल भाल के यहीं रहो और बच्चे पैदा करती रहो और रोज मरो और रोज जियो। मुझे क्या, फिलहाल तो आपके लहजे से लग रहा है कि आप जल और कोड़ हैं। बकवास अपनी बंद करो। और वैसे भी अरसलान सामिया को तलाक देने वाला है और दूसरी बारी तुम्हारी होगी। अब तुमने सोचना है कि बच्चे के साथ तलाक का दाग अपने माथे पे लगाओगी या बगैर बच्चे के। डिसाइड तो तुमने करना है। आप जा सकते हैं यहां से। सुना था कि मरने से पहले चूंटी के पर निकल आते हैं, आज देख भी रही हूं। वैसे तुम्हें जरूरत क्या थी मुंह उठाकर उसके ऑफिस जाने की? और अगर चली गई थी ना तो रख के फरिया के मुंह पे थप्पड़ मारकर आती ताकि उसके होश ठिकाने आ जाते हैं कि किसी का बसा बसाया घर कैसे बर्बाद करते हैं। कसूर फरिया का नहीं है, कसूर अरसलान का है। उसके कदम गए थे फरिया के पीछे, बल्कि कसूर तो मेरा है। मेरी मोहब्बत में ही कोई कमी रह गई होगी जो अरसलान ने मेरे ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड को तरजीह दी। मैंने आने से पहले अकबर से बात की है, वो जाएंगे अरसलान के पास, बात करेंगे उससे। मैं अरसलान के पास ना जाना चाहूं तो, या फिर अरसलान ने मुझे छोड़ने का फैसला कर दिया तो? क्यों छोड़ेगा तुम्हें? तुम उसकी बीवी हो। अरसलान के दिल में तुम्हारे लिए नफरत डाली गई है, वो तुमसे नफरत करता नहीं है। एक बार नफरत के बादल को झड़ने दो, तुम देख लेना तुम्हारा अरसलान लौटकर तुम्हारे ही पास आएगा। मियां बीवी के रिश्ते में ना बड़ी ताकत होती है, देख लेना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पे कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद अरसलान की आंखों में अपने लिए बेजारी देखी। देखो सामिया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बेहतरी लिखी होगी। चलो उठो, डॉक्टर के पास जाना है ना, देर हो रही है, तैयार हो जाओ। चलिए।